सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार आज मैं एक नए टॉपिक पर आपसे बात करूंगी कई लोगों के लिए इसकी कई टर्मिनोलॉजी बिल्कुल नई हो सकती है तो कुछ नया सीखने के लिए जानते हैं ई लर्निंग एफोर्डेंसेज क्या है ये ई लर्निंग एफोर्डेंसेज इसीलिए मैंने लिख दिया है क्या है ये कि इट ओपन अप पॉसिबिलिटीज फॉर व्हाट वी कॉल न्यू ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग जो कि नया हमको ई e वर्ल्ड मिला है डिजिटल वर्ल्ड मिला है जिसने हमको ई e लर्निंग के बहुत सारे एवेन्यूज प्रोवाइड किए हैं उसमें ई e लर्निंग कितनी तरीके की पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकती है सीखने के लिए तो यही है ई लर्निंग इम्पोर्टेंसेज और इसके नामकरण देखिए यूबिक्विटस लर्निंग इट इज एनी वेयर एनी टाइम लर्निंग एक्टिव नॉलेज मेकिंग इट इज डिजाइनिंग मीनिंग multimodal meaning it is text image sound and data hence it is a multimodal because text image and sound and data provide many modes then it is a form of formative assessment called as recursive feedback it can be collaborative intelligence because knowledge you can reach for and use means uh, intelligence collaboration of intelligence of so many people intelligence of so many peer group have been collaborative देन मेटाकॉग्नेशन मीन्स थिंकिंग अबाउट थिंकिंग एंड डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग मीन्स इट इच अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड नीड मतलब हमको इतनी प्रकार के लर्निंग इम्पॉर्टेंस मिल गए हैं कहीं भी कभी भी सीखने के लिए हम खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं हम टेक्स्ट इमेज साउंड डेटा से सीखते हैं यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट है कंटिन्यूस असेसमेंट हमारा चल रहा है हम बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं इसलिए इंटेलिजेंस भी कोलेबोरेटिव हो गई है एंड देन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग जिस पर हम लोग ने पहले भी बात की है और डिफरेंशिएटेड लर्निंग का मतलब ही है कि जैसे ही हम मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ आपको पता है कि आप जैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में घुसते हैं हमारी लर्निंग डिफरेंशिएटेड हो जाती है क्यों क्योंकि हम अपनी गति से सीखते हैं सेल्फ पेस किसी भी का भी और नियंत्रण नहीं सिर्फ हम अपनी पढ़ाई लिखाई को नियंत्रित कर रहे हैं इस वर्ल्ड में देन इसके कुछ डायमेंशन है और ये बहुत ही यूनिक है और एकदम नया क्लासिफिकेशन आप इसको पाएंगे इसलिए मैं जरूर इसको आपके संग शेयर करना चाहती हूँ ये पूरा मैंने मैटर कहां से इसके उत, मतलब मैं कैसे जानी इसको क्योंकि मैंने कोर्सेरा पे कोर्स किया था वहां मैंने इसको जाना और तभी रही थी इसको आपके संग शेयर करने के लिए और ये कोर्स ही कोप एंड कैलेंजेस का है मिस्टर कोप एंड कैलेंजेस ये इन्होंने सात न्यू लर्निंग इंपॉर्डेंस हमको बताया जिसके बारे में हमने आपसे बात कर ली बस हमको डायमेंशन देखने यूबिक्विटस लर्निंग को स्पेशियोटेम्पोरल डायमेंशन कहा जा रहा है ई e लर्निंग का क्यों क्योंकि स्पेस समय कहाँ बैठ कर पढ़ रहे हैं कहाँ पढ़ रहे हैं कब पढ़ रहे हैं इसकी बाध्यता खत्म हो गई है एक्टिव लर्निंग को इपिस्टेमिक डायमेंशन कह रहे हैं क्यों, क्यों? क्योंकि ये नॉलेज मेकिंग से संबंधित है मल्टी मोडर लर्निंग को कहा जा रहा है डिस्कसिव डायमेंशन क्यों क्योंकि ये असंगठित है असंबद्ध है अश्रृंखलाबद्ध है मतलब कहीं कभी टेक्स्ट है कभी इमेज है कोई हम लोग हैपजर्ड चल रहे हैं बहुत सारे मोड्स है कोई एक तरीके की बात नहीं है देन रिकर्सिव फीडबैक ये डायमेंशन कौन सा है इवेल्युएटिव डायमेंशन है किसका ई लर्निंग का देन कोलेबोरेटिव इंटेलिजेंस ये सोशल डायमेंशन हो गया

वन बाई वन बात करते हैं यूबिक्विटस लर्निंग क्या है इसको यू लर्निंग के नाम से भी जानते हैं आप ये जान सकते हैं कि यू अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यू लर्निंग इज इक्वल टू एम लर्निंग प्लस ई लर्निंग यानी कि ई e लर्निंग तो था ही है ना ई वर्ल्ड तो आ ही गया इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड तो मिली गया हमको लेकिन उसमें भी जब मोबाइल लर्निंग उसके संग जुड़ गया तो ये और बढ़िया हो गया और ये यूबिक्विटस लर्निंग हो गया कि एनी टाइम एनी वेयर क्यों एवरी टाइम हमारे हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन है और दुनिया हमारी मुठ्ठी में है देन इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमन्स एंड कंप्यूटर्स इन ऑर्डर टू लर्न क्यों जो मनुष्य है और कंप्यूटर का इंटरैक्शन सीखने के लिए हो रहा है, है ना यही इससे ही मिलती जुलती बातें हम लोग कनेक्टिविज्म में पढ़ते हैं जॉर्ज एंड सीमेंट्स की जो थेरी है जिसने मूक को जन्म दिया तो ये आपको <coughs> पता होना चाहिए देन इवॉल्वस लर्नर्स बींग कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टेक्ट विथ टेक्नोलॉजी ऑलवेज है हमेशा अगर आप में सीखने की इच्छा है अगर योग्यता है तो एवरी टाइम यू कैन लर्न है ना इसीलिए इसको कह रहे हैं लर्निंग ऑन डिमांड लर्निंग ऑन डिमांड मतलब हम जब चाहते हैं जब हमारा मन है जब हम कुछ जानना चाहते हैं हम क्लिक कर देते हैं बस हम खट्टे से दबाते हैं और तुरंत उसका आंसर मिल जाता है तो ये स्वतंत्रता ये रिचनेस हमको कभी नहीं थी लर्निंग में और इसको चूंकि कह रहे हैं कि ये क्या है लर्निंग के लिए आपका यूबिक्विटस एक्सेस है लर्निंग तक हमारी पहुंच बढ़ गई लर्निंग के पहले की जितने हर्डल्स थे जितने ऑब्स्टिकल्स थे वो हट गए इसीलिए इसको यूबिक्विटस लर्निंग का नाम दिया गया है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। व्हाट इज व्हाट आर दीज परमानेंसी एक्सेसिबिलिटी, इमीडिएसी, इंटरएक्टिविटी एंड एडेप्टिविटी तो इसको हम नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर नॉलेज मेकिंग एक्टिव नॉलेज मेकिंग का मतलब कि जो लर्नर है वो खुद अपने नॉलेज का निर्माण कर रहा है नॉलेज को बना रहा है कैसे क्या कह रहा है ये कि राइट इन रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ लर्नर्स टू टेक एक्टिव पार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज है ना तो मेन इसके पीछे क्या थीम चल रही कंस्ट्रक्टिविज्म और कितने हमको प्रारूप मिल सकते हैं नॉलेज मेकिंग के प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपसे कराया जा सकता है इंक्वायरी लर्निंग ऑथेंटिक पेटेगोलॉजी हमने एक ऑथेंटिक लर्निंग पहले भी वीडियो बनाया आप उसको पढ़ सकते हैं सुन सकते हैं दोबारा देन प्रोग्रेसिव एजुकेशन न्यू लर्निंग पार्टिसिपेटरी लर्निंग गेमिफिकेशन गेमिफिकेशन क्या है प्रेजेंस ऑफ गेम लाइक एलिमेंट्स इन नॉन गेम लाइक सिचुएशन यानी कि हमने गेमिफिकेशन भी पढ़ाई में ला दिया नॉन गेम लाइक सिचुएशन पढ़ाई जो है वो नॉन गेम है और गेम लाइक एलिमेंट्स मतलब जैसे काहूत वगैरह है इस तरीके की कि मतलब विन आप है, आप जैसे जैसे सवालों को जवाब दे रहे हैं खटखट खटखट खट, सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं और एकदम आप ऊपर टॉप पे हैं और डिफरेंट एनिमेशन आ रहे हैं बहुत सारे उसमें आपको कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेजेस आ रहे हैं तो दीज आर वॉट गेम लाइक एलिमेंट्स तो इसने कितना इनोवेशन ला दिया हमारी पढ़ाई लिखाई में हमारे सीखने में देन ह्यूमर प्रोज्यूमर ह्यूमर क्या है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर यानी कि नॉलेज जो लर्नर है वो प्रो,

चॉक एंड टॉक मेथड में हमको नहीं था और एक नया शब्द इसमें जानने को आपको मिलेगा इट रिफर्स टू द प्रोसेस एंड आउटकम्स ऑफ सीमियोटिक प्रोडक्शन बहुत से लोगों के लिए ये नया शब्द हो सकता है सीमियोटिक प्रोडक्शन का सीमियोटिक्स देखिए अपने आप में एक साइंस है कि कैसे हम मीनिंग को क्रिएट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं तो मल्टी है तो मल्टी मोडालिटी के ये एवेन्यूज कौन कौन से हमको मिलते हैं डिजिटल दिज, वर्ल्ड में मल्टीलिटरेसीज न्यू मीडिया डिजिटल मीडिया मल्टी मोडल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन विजुअल लर्निंग है वीडियो लर्निंग है सिमुलेशन है लर्निंग गेम्स है बहुत कुछ है है ना जो कि ट्रेडिशनल वर्ल्ड हमको नहीं दे पा रहा था और इतने तरीके के मोड्स हमको प्रदान किए हैं किसने ई लर्निंग ने देन रिकर्सिव फीडबैक देखिए रिकर्सिव फीडबैक आपके नॉर्मल फीडबैक से किस प्रकार अलग है कि इसने असेसमेंट सिस्टम का एक जनरेशन ही अलग है कंटिन्यूस मशीन मीडिएटेड ह्यूमन असेसमेंट है यानी कि असेसमेंट आपको मशीन भी दे रही है जिस मशीन पर आप काम कर रहे हैं अगर आप आ, होता है ना आप आंसर देते हैं तो अपने आप वो आपको फीडबैक क्या मिलता है वेल well डन है ना या वाओ यू हैव डन वेरी वेल इस तरीके के तो ये जो मशीन मीडिएटेड असेसमेंट हमारे संग हो रहा है वो हमको एक बहुत एक आउट हमको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है देन मल्टीपल पर्स्पेक्टिव से यही इसका नॉर्मल फीडबैक से अंतर है कि नॉर्मली क्या होता था टीचर कॉपी चेक करता था आप को नंबर देता था या उसमें रिमार्क लिखता था रिमार्क लिखता भी इट्स टू टफ एंड इट्स टू टाइम कंज्यूमिंग फॉर अ सिंगल टीचर फॉर सच अ होल सच अ लार्ज क्लास बट यहाँ पे पीयर्स भी आपका फीडबैक देते हैं सेल्फ आपको खुद मिलता है खुद आप लेते हैं अपना टीचर देता है पेरेंट्स देते हैं एक्सपर्ट्स देते हैं अब ये पीयर्स का मैं आपको एग्जांपल समझाऊं समझाना चाहूं तो कोर्सेरा पे जितने मूक्स हैं उसमें जो आपका फीडबैक है वो पीयर्स देते हैं या असेसमेंट भी पीयर्स करते हैं क्योंकि उसमें इतने सारे इतने थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व देयर इनरोल्ड देयर तो टीचर तो नहीं कर सकता इतनी कॉपीज चेक इतने असेसमेंट जो सब्जेक्टिव असेसमेंट होते हैं तो पीयर ग्रुप के लिए होता है कि आप अपना असाइनमेंट सबमिट कीजिए और फिर तीन कम से कम आप सबमिशन चेक करेंगे तो आपको आपका ग्रेड मिलेगा तो इस तरह से सबका चेक हो जाता है देन अवेलेबल आइदर एज इंडिविजुअल प्रोग्रेस और कंपेरिजन अक्रॉस कोहोर्ट्स अब ये कोहोर्ट्स क्या है जब हम मूडल पे काम करते हैं तब आपने इसको देखा होगा और इसको पाया होगा कि हमको हमारी परफॉर्मेंस पूरे ग्रुप के अगेंस्ट पता चलती है कि हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या कितना खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो ये आपके एक मोटिवेशन लेवल के लिए कितना बढ़िया और कितना जरूरी है और जो कि एक टीचर तो कर ही नहीं सकता है क्लास में वन बाई वन मैनुअली ना बहुत एकदम ही मुश्किल है उसके लिए देन इट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग

फॉर्मेटिव असेसमेंट और सम, आ, समेटिव में की हम मैं बहुत दिनों तक इसका यही अंतर समझती थी कि फॉर्मेटिव जो है वो बार बार होता है और समेटिव अंत में होता है बहुत बहुत दिनों तक रिसेंटली थोड़े समय पहले पढ़, पढ़ा के मैं ये समझी कि फॉर्मेटिव इसका नाम ही इसलिए दिया गया क्योंकि ये फॉर्मेटिव है मतलब पक्का नहीं बनाया गया है जैसे ही आप इसको मतलब एकदम रिजिड नहीं है ये चेंजेबल है फ्लेक्सिबल है कि जैसे हमने पढ़ाया फिर हमने असेसमेंट लिया तो अगर हमने पाया कि कुछ गड़बड़ी है तो हम फिर पीछे जाएंगे और उसमें चेंज करेंगे किसमें अपने कोर्स में भी चेंज कर सकते हैं अपने सिलेबस में अपने टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज में अपने मेथड्स में अपने असेसमेंट में फिर हम थोड़ा पढ़ाएंगे फिर असेसमेंट लेंगे और फिर हम फॉर्मेशन देखेंगे कि बदलने की जरूरत है या नहीं तो ये पूरे टाइम ये ऑन गोइंग फॉर्मेशन इसका चलता रहता है इसलिए इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं सिर्फ ये अंतर नहीं है कि वो बार बार है और ये एक बार है देन एनफॉर्मेशन फॉर वॉट बेटरमेंट देन इट इज क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग एजुकेशनल डेटा माइनिंग ये सारे शब्द नए आपको पता नहीं रोमांचित करते हैं कि नहीं मुझे तो बहुत करते हैं एजुकेशनल डेटा की माइनिंग चल रही है जबकि हम लोगों ने माइनिंग को डेटा के टर्म्स में और एजुकेशनल डेटा के टर्म्स में तो पहले कहीं नहीं पढ़ा था फिर कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्टिंग पीयर रिव्यू ऑटोमेटेड राइटिंग एवेल्यूएंस एंड मैनी मैनी सच मोर है ना इस तरीके के और बहुत सारे हमको एवेन्यूज डिजिटल वर्ल्ड ने ई लर्निंग इमोर्डेंस के रूप में दिया जिसको कि हम रिकर्सिव फीडबैक के नाम से जान रहे हैं कोलेबोरेटिव इंटेलिजेंस कोलेबोरेटिव इंटेलिजेंस क्या कह रहा है इसके पीछे थीम ही यही है कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग तब बढ़िया होती है जब हम सोशल इंटरेक्शन में सीखते हैं तो ये हमको किसकी याद दिलाता है ये हमको जेड पी डी की याद दिलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बाई गॉट्स की का ये हमको ब्रूनर के इसके फोल्डिंग की याद दिलाता है ये हमको कंस्ट्रक्टिविज्म की, की, की याद दिलाता है तो कोलेबोरेटिव इंटेलिजेंस के पीछे थीम ये और एलिमेंट्स क्या हैं कोलेबोरेशन के ट्रस्ट डेवलप होता है हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को असिस्ट करते हैं सपोर्ट करते हैं एक दूसरे की सक्सेस का हिस्सा बनते हैं शेयर करते हैं और हमको टीम वर्क सीखते हैं hmm. मतलब कि जो प्राचीन समय जो पुराना समय जो ट्रेडिशनल समय उससे लेकर अब तक हमारी इंटेलिजेंस भी कोलेबोरेटिव इंटेलिजेंस हो गई और ये हमको डिजिटल वर्ल्ड ने ये सुविधा प्रदान की है जो कि पहले बहुत मुश्किल थी देन मेटाकॉग्निशन इसको मैं यहाँ डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मेटाकॉग्निशन कॉग्नीशन भी रिसेंटली एक वीडियो मैंने बनाया था तो यहाँ टाइम नहीं बर्बाद करेंगे सिर्फ हम इसमें एक बात बताना चाहते हैं कि थिंकिंग अलाउड ये टर्म मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ कि पहले हम लोग रीडिंग अलाउड के बारे में तो जानते थे थिंकिंग अलाउड एटलीस्ट मैं नहीं जानती थी तो मेटा कॉग्नेशन को आप यह कह सकते हैं कि आपको अपने स्टूडेंट्स में थिंकिंग अलाउड की कैपेसिटी को डेवलप करना है कि वो बढ़िया सोचना है ऐसा सोचना है कि हम सोच सकें कि हम क्या सोच रहे हैं किस दिशा में सोच रहे हैं फिर एक बात और खास बताने की क्या कि क्या डिजिटल वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड ने हमको टेक्नोलॉजी मीडिएशन ने हमको मेटाकॉग्निशन को बेहतर करने में आसान के आसान हो गया है हमारे लिए करना जो कि पहले मुश्किल था देन डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग क्या है कि ट्रेडिशनल क्लास में क्या था कि वन साइज फिट्स ऑल चलता था और वो भी किसका होमोजिनियस कंटेंट है यानी कि टीचर एक ही कंटेंट को एक ही तरीके से सभी बच्चों को पढ़ाएगा और हम मान के चलते थे कि आउटपुट सबका बराबर आए तो ये कैसे संभव है यहाँ पे क्या है टेलर मेड कोर्स है और हम डिफरेंशियेशन किसके किसके टर्म्स में कर रहे हैं कंटेंट भी डिफर है प्रोसेसिंग भी डिफरेंट हो रही है और प्रोडक्ट भी डिफरेंट निकल कर आ रहा है और जो लर्नर है उसको हम को डिज़ाइनर कह रहे हैं और जो डिफरेंशियशन है वो कितने तरीके से हम दे रहे हैं टास्क भी डिफर है रिस्पॉन्स डिफरेंट मिल रहा है सपोर्ट सिस्टम डिफरेंट है और रिसोर्सेज भी डिफरेंट है तो इतने प्रकार के ई लर्निंग एफोर्डेंसेस जिसमें कि यूबिक्विटस लर्निंग एक्टिव नॉलेज मेकिंग देन इट इज़ रिकर्सिव फीडबैक देन मल्टी मॉडल मीनिंग या मल्टी मॉडल लर्निंग फिर आपका रिकर्सिव फीडबैक हो गया फिर आपका आ गया क्या uh... मेटाकॉग्निशन एंड एंड कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस देन लर्निंग तो इतने तरीके की यानी कि सात तरीके की लर्निंग एफोर्डेंसेस की बात की गई है हमको एक नया डायमेंशन मिला सीखने के लिए नए नए शब्दों के बारे में हमको जानकारी मिली नए नए टर्म्स के बारे में और अगर आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो डायडेक्टिक पेडेगोजी यानी कि जो पुरानी पेटेगोजी अगर हम डायडेक्टिक का नाम दें तो ये एक शिफ्ट है पैराडाइम शिफ्ट है पेटोलॉजी में किससे कहां से कहां तक डायरेक्टिक पेटेगोजी से रिफ्लेक्सिव पेटोलॉजी तक या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अभी जो हमने साथ अकॉर्डेंसेस के नाम लिए वो रिफ्लेक्टिव पेडागोजी के कंपोनेंट्स हैं ठीक है सो थैंक यू ऑल मैंने कोशिश की कि आपसे कुछ नया डिस्कस कर सकूं और आई होप कि मैं इसमें शायद सफल हुई होंगी सो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग टू यू ऑल डन फ्रॉम माय साइड